तो दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जो ट्रैक मोटर होता है उसमें से वायरिंग जो है ना वो कट गया है, उसमें से जो है एक गिर रहा है हाइड्रोलिक गियर वेल इसमें से गिर रहा है। देखिए वो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसमें कम हो गया तो इसमें हम डालेंगे गियर वेल। तो हम खोलिए, बराबर कर लीजिएगा, बराबर कहिए कि आप खोलिएगा, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, आपको ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलता है, आपको 5,000-6,000 घंटा चलता है तब जाकर मशीन ये चेंज होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ध्यान से देखिए। तो इसको पहले थोड़ा सा गिरा लेंगे इसमें है कि नहीं है, कम है थोड़ा सा हम इसमें जो है डाल देंगे। तो ये उसका लेकर 1 लीटर हम जो है इसमें डाल दे रहे हैं, इसमें साढ़े तीन लीटर लगता है, इसमें लगभग 4 लीटर तक लग जाएगा आपका, हर मशीन का अलग अलग है, तो इसमें 3-3.5 लीटर लगता है, तो इसमें हम जो है डाल दे रहे हैं पहले, अगर नहीं मानेगा तो इसमें ग्रीस डालकर जो है काम करेंगे। तो फाइनली दोस्तों जो है नहीं मान पाया उसमें से फिर चू रहा है धीरे धीरे, तो इसमें क्या करेंगे हम ग्रीस मिलाकर जो है डाल देंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप मैं बता चुका हूँ। देखिए और ट्रैक मोटर का जो है कट जाता है तो बाई चांस आप पहले पूछ लीजिएगा मालिक, चाहे फिर सराय चार ले सकते हैं, और इसमें जो है आप ग्रीस डालकर थोड़ा सा मिक्स करके और इसमें डालकर आप चला सकते हैं, तो उसका भी बंद हो जाएगा, और कम कटा होगा तो बंद हो जाएगा शायद, और नहीं कटा होगा, मेरा तो ठीक हो गया है। आप भी अगर ट्राई ले सकते हैं, अगर आपका वायरिंग कट गया हो तो आपका ट्रैक मोटर में से थोड़ा सा चूरा होगा तो आपका जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं अगले एक वीडियो में मैं डाल चुका हूँ जो ट्रैक मोटर के बारे में है, आप कितना उसमें डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, वो आपका वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है।